किं पुनस्तत्वं कर्म कर्मादे यद्वो द्रव्यं वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम् उच्यते। कर्मादि कर्म विकर्म और अकर्म इन तीनों का जो तत्व बोद्धव्य है और वक्ष्यामि करके आपने खुद 16वें श्लोक में जो कहा था इति प्रतिज्ञातम तद उच्यते, वो यहां का रहस्य करने कथन करने जा रहे हैं। कर्मादियों का तत्व माने कर्मादियों का यथार्थ स्वरूप है जो उसको कथन करने जा रहे हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मण अकर्म यह पश्येत, कर्म में अकर्म को जो देखता है, यहां मेक अर्थ को लेकर के पूर्व पक्ष हो जाएगा। यह अधिकरण शब्द में आना चाहिए कि विशेष शब्द में आना चाहिए? पूर्व पक्ष एक अधिकरण शब्द में कर्म में अकर्म को देखो कहेगा, अभी तो असंभव है। कर्म को अकर्म कैसे समझूं? अकर्म तो कभी कर्म नहीं हो सकता, कर्म कभी अकर्म नहीं हो सकता। इसे सिद्धांत पक्ष है विशेष शब्द में। कर्म के विषय में जो दुनिया जैसे समझ रही है वैसे न समझता हुआ उसको अकर्म समझना चाहिए। यह कर्मणि मने कर्म विषय यादृशी मति सर्वस्य भवति तद विपरीत अकर्म बोधि ही यह पश्यत यह अनुभवती जो अनुभव करता है। इसी प्रकार से अकर्मणिच मैंने अकर्म विषय यह मति सर्वेशम सर्वेशम तीन प्रकार के लोग हैं यहां। इसे भाष्यकार श्लोक का तीन व्याख्या करेंगे। पहली व्याख्या में पामर लोगों को लेंगे, सामान्य अज्ञानी लोग सब सर्वजन सर्व सामान्य लोगों को लेंगे। दूसरे में विद्वान लोग जो शास्त्रों का ज्ञाता न्याय मीमांसा योग वगैरह बड़े पढ़े लिखे पंडित लोग उन लोगों को लेंगे। और तीसरा तत्ववेत्ता। इसलिए उनमें से दो तो बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं और तत्ववेत्ता सही है। तत्ववेत्ता कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म का तात्पर्य कर्म के विषय में जो जनता में विद्यमान भ्रांति है आम और विद्वान में उन भ्रांति को निवारण करता हुआ वह अकर्म का दर्शन करता है, अनुभव करता है। अर्थात व्यापार सामान्य हो रहा है, जो प्रवृत्ति सामान्य जो शरीर इंद्रियादियों की तरह होता है उसको शरीर में ही मानता है। कि नहीं है कल क्या मानते हैं कर्म कहाँ है? पुण्य कर्म पाप कर्म आत्मा ईमान शक्ति कहेगा यह आत्मा का गुण। तो आत्मा का गुण मानते हैं और आम आदमी क्या कहते हैं? अरे ये तो पुण्यात्मा था, ये तो जरूर स्वर्ग चला गया। ये तो पापात्मा था, ये तो नरक में गया। मैंने पुण्य पाप को वो आत्मा भी मानते हैं और पुण्य पाप विशिष्ट आत्मा को आने जाने वाला भी मानते हैं। सभी का यही हाल है। इसे नायम अस्तित्व चाहिए अस्तित्व चाहिए कठोर परिषद में चाहिए तो प्रश्न ही होता। कोई कहता है मरने के बाद ये यम प्रेत है नायम अस्ति, ये मरने के बाद कुछ नहीं रहता है। कोई कहता है नहीं हता रहता है वो जाता आता है, ऐसे भी कहने वाले नहीं लोग। इसलिए कहते हैं नास्तिक लोग कहेंगे नास्ती है वह, मरने के बाद कुछ नहीं बचता। भसी भूत से देह से पुनरागमन होता है, आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा शरीर हो रखा है। इसलिए मर गया तो खत्म भस्म कर दो, उसे कोई पुनर्जन्म होता ही नहीं, आना जाना है नहीं। नास्तिति चेत बौद्ध भी कहेगा नहीं आत्मा नाम कुछ को है नहीं, शून्यम आत्मा। तो और कुछ अस्थि कहते हैं। इसलिए ये जो आत्मा में ये सब कर्म रहता है ऐसे मानते हैं
और उसको कहते नहीं वहां वास्तव में कर्म नहीं है, उसको अकर्म मानता है। ब्रह्म कैसा है? अकर्मात्मक है, कर्मात्मक नहीं है। अकर्मणी और आम आदमी क्या मान रहा है? इस शरीर को अकर्मणी मानता है, या शरीर की निवृत्ति में अकर्म मानता है। शरीर जो निवृत्ति पारायण है, उदासीन भाव में बैठा हुआ है, तुष्टि भाव में बैठा हुआ है, उसको अकर्म अवस्था मानता है। इसे प्रवृत्ति काल, इसका कर्मणिक अर्थ प्रवृत्ति और अकर्मिक अर्थ निवृत्ति, एक पक्ष में आम इसमें सामान्य दृष्टिकोण से, और विशेष दृष्टिकोण से कर्मणि मने आत्मनि, कर्माधिकरणे, कर्माधिकरण कौन है? आत्मा, आत्मनि। अकर्माधिकरणी कर्माधिकरण है शरीर है, इसे कर्मणि का भी दो अर्थ होगा, प्रवृत्ति और आत्मा, और अकर्मणि का अर्थ शरीर और निवृत्ति। इसलिए प्रवृत्ति में अकर्म तो देखना और निवृत्ति में कर्म को देखना, ये बुद्धिमान का काम है। अथवा आत्मा में अकर्म रूपता को स्वीकार करना और शरीर में कर्म रूपता को स्वीकार करना, ऐसा जो अनुभव करता है सब बुद्धिमान मनुष्य, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है समझो। सयुक्त वही वास्तव में योग युक्त है, जो पहले कहा गया समत्वराप योग योग सिद्ध सिद्धियों सर्वभूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्वरूपादि योगों से युक्त पुरुष वही हो सकता है, वह कृष्ण कर्म कृत, वह सकल कर्मों को करने वाला है। एक अर्थ सकल कर्मों को काटने वाला है, नष्ट करने वाला। कृत का दो अर्थ हो सकता है, क्योंकि आप डुकरी करने से करेंगे तो करने वाला अर्थ हो जाएगा, कर्म करोति कर्म कृत, कृष्ण तत् कर्म चेति कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म करोति इति कृष्ण कर्म कृत, अथवा कृति छेद में जात सको, कृति छेद में जात कृष्ण कर्म कृंतति इति कृत, कृंतति छेदन करना, दोनों में क्लिप करना है। क्रि से क्लिप करोगे श्राव प्रलोप हो जाएगा, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से तुक कागम होकर के कृत बन जाएगा, और कृति छेद में धातु लोगे तो कृत पहले से तकार है ही है, मालिक को रही नहीं केवल आपने सर्वा पर लोप कर दिया, काम हो गया, कोई सूत्र लगाने की पे पाया सर्वा पर लोप हो गया। अच्छा करो यदि कृत हो सकता है, आज कृंत यदि कृत हो सकता है, सकल कर्मों को काटने वाला अर्थात सकल कर्मों से मुक्त हो जाता है। कर्मों को काटने का मतलब क्या? कर्मों से मुक्त होना, जो पूर्ण भगवान ने स्वयं भी प्रतिज्ञा कर कहा था ना, मोक्ष से अशुभा, वह सकल कर्मों से कर्मों को काट देता है, मैंने सकल कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह सकल कर्मों को करने वाला होते हुए भी अकर्मा ही रह जाता है, कि स्वरूपतः वह ब्रह्म है, अकर्म है, और जो अविद्याजन्य शरीर को लेकर के कर्म कृत है, इसे करने वाला अर्थ करेंगे तब भी कोई दोष नहीं है, कर्म को नष्ट करने वाला अर्थ करोगे तो भी दोष नहीं, दोनों अर्थ हो सकता है। इन भाष्यकार तो कर्म करो ते अर्थ ही लेते हैं। भाष्य कर्मणी, कर्मणी में क्या अर्थ लेना है? पहले कर्म का सत्य विभक्ति है ना, कर्म क्रियते इति व्यापार मात्रम तस्मिन् कर्म, कर्मणी में क्या है प्रातिपदिक वो बताया पहले, कर्म ये प्रातिपदिक है। ये कर्म शब्द बना गए से आप ये नहीं लेना कर्तुस्तुतम कर्म, व्याकरण वाला कर्म मत लाओ, पारिभाषिक वो नहीं लेना, यहां इसलिए व्युत्पत्ति कर दिया आगे, क्रियते इति कर्म, क्रियते इति कर्म, डुगरी करने जात के ले लिया और लकार क्या लिया, कर्म नहीं लकार, क्रियते इति कर्मलकार हो सकता था, कर्मलकार ने ना भाव में किया है, क्रियते इति भाव लकार, इस अर्थ क्या कर रहे हैं आगे,
व्यापार मात्र करोति कर्म नहीं क्रियते अन्येन असौ इति कर्म वो भी नहीं कर्म निवित्पत्ति नहीं करना कर्तव्युत्पत्ति भी नहीं है कर्म व्युत्पत्ति भी नहीं है मेरा कर्तृवाच्य में नहीं है लगार कर्मवाच्य में नहीं है लगार भाववाच्य लगार क्रियते इति इसलिए अर्थ क्या हुआ व्यापार मात्र भाव किसको कहते हैं व्यापार धातु अर्थ मा सामान्य करना भाव होता है तो व्यापार मात्र भाव क्रिय धातु अर्थ क्या है व्यापार सामान्य इसे भाष कर व्यापार मात्र ये हो गया कर्म शब्द की व्याख्या तस्मिन् उससे सप्तमी भक्ति आया एतादृश अर्थ वाला कर्म शब्द से सप्तमी भगवान ने करके रख दिया कर्मणि तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्म अभावम् कर्म अभावम् यह पश्ये जो देखता है अर्थात जहां पर व्यापार को माना जा रहा है वहां व्यापार को नहीं मानता है व्यापार को कहां माना जा रहा है आत्मा में मैं करता हूं है ना आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व मान बैठे हुए हैं लोग लेकिन वास्तव में आत्मा न कर्म करता है न आत्मा कर्म रूप है किंतु वो अकर्म रूप अकर्मणि च माने कर्म अभावे माने व्यापार अभावे निवृत्तौ कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्त्योः वस्तु अप्राप्ति वही सर्व एव क्रियाकार का व्यवहारो अविद्या भूमौ एव कर्म यह पश्येत् अकर्मणि का मोटा मोटी व्याख्या करते सीधे अंत में क्या बोल देते हैं अविद्या रूपी खेती में अविद्या भूमौ अकर्मणि कर्त अविद्या भूमौ क्योंकि मूढ़ व्यक्ति क्या समझ रहा है अविद्या माया तो जड़ है ऐसे कोई कर्म तो नहीं है अकर्म आत्मिका है और आत्मा चेतन है उसमें कर्म है कर्म उल्टा पकड़ रखा है अविद्या रूपी भूमि में अकर्म मान रहा है और आत्म रूपी चेतन भूमि में कर्म मान लिया उल्टा इसे भाष्कर अकर्मी की कहां ले गए व्याख्या अविद्या भूमौ एव कैसे ले गए तो व्याख्या कर देंगे कर्माभाव है अकर्म का अर्थ पहले सामान्य कर दिया अकर्म ने कर्माभाव है कर्माभाव का मतलब क्या है निश्चित कर्मों का भाव ऐसा किया जाए यह विहित कर्म को न करना ही कर्माभाव कहते नहीं ये सब अर्थ नहीं लेना क्या अर्थ लेना है कर्माभाव का अर्थ कहते कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति और वस्तु अप्राप्ति वही सर्व एव क्रियाकार का व्यवहारो अविद्या भूमौ कहते हैं कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कहां है कर्ता के अधीन है प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्ता के अधीन हुआ करता है वस्तु अप्राप्ति वही अतः वस्तु कौन है ब्रह्म उसको प्राप्त किए बिना ही सर्व एव क्रियाकार का व्यवहार हो सकल जो क्रियाकार व्यवहार हम कहां कर रहे हैं अविद्या भूमौ से कर्मा भाव में हम क्या कर रहे हैं अविद्या भूमि में सकल कर्म कर रहे हैं ये वास्तविक ज्ञान है ना व्यापार जहां मान रहे हो वहां पर वास्तव व्यापार नहीं ये दर्शन करना है और जो व्यापार नहीं समझ रहे हो वही सकल व्यापार है ऐसे समझ लेना व्यापार कहां नहीं मान रहा हूं मैं अविद्या में कारण क्यों ऐसे अविद्या में सकल व्यवहार करता हुआ ऐसे क्यों मान रहा है क्योंकि वस्तु प्राप्त नहीं वस्तु प्राप्त हो जाए ब्रह्म प्राप्त हो ब्रह्मानुभूति हो जाए ये भ्रांति नहीं रह जाएगी कि अध्यास में वज्र के कारण से सारा उल्टा सुलटा दिख रहा है भ्रांति क्यों होती है अध्यास की वजह से विपरीत ज्ञान बिना अध्यास को हो नहीं सकता चाहे रज्जु में सर्वदर्शन हो चाहे कोई भी दर्शन हो
कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म हम दर्शन करने बोल रहे हैं कि व्यक्ति गलत कर बैठा हुआ है, अकर्म में कर्म कर रखा है, अकर्म में कर्म देख रहा है, और वो हमें बता रहे नहीं, वो जिसमें तुम कर्म कर रहे हो वहां वास्तव में अकर्म। जो ज्ञानी के लिए कहा उसका ठीक उल्टा लेना पड़ता है अज्ञानी में। अज्ञानी क्या कर रहा है, वास्तव में जो अकर्म है उसमें कर्म देख रहा है, ठीक उल्टा हो गया। वो भी अकर्मणी में कर्म देख रहा है, कर्मणी में अकर्म देख रहा है, दोनों वही कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उल्टा है। जिसमें वो अकर्म में कर्म देख रहा है उस कर्म में मैं अकर्म वापस देखना चाहता हूं ना, कि अकर्मा कौन है, ब्रह्म आत्मा, उसमें कर्म देख रहा है अज्ञानी, और उस कर्म में क्या करूंगा वापस अकर्म को देखूंगा। कर्म कहां है, अविद्या में, और उसमें अकर्म कौन देख रहा है, अज्ञानी, उस अकर्म में फिर वापस मैं कर्म को देखूंगा। यही बुद्धिमान का श्लोक तरफ हो गया ना, इसे भाष्यकार कहते हैं कर्ता के अधीन जिसमें कर्तृत्व है उसी के अधीन होता है क्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति। और कर्तृत्व नहीं हो तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं रहेगी। और कर्तृत्व कहाँ रहेगा, अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता की मान्यता, जो अहंकार से भी मूढ़ है उसमें कर्तृत्व होता है, जिसमें कर्तृत्व होता है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति हुआ कर दी है। और ये अहंकार क्यों आया, वस्तु अप्राप्ति वही कर, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति में अनुभूति साक्षात्कार न होने के कारण से, वस्तु का साक्षात्कार न होने से, वस्तु मने यथार्थ स्वरूपभूत आत्मा का साक्षात्कार न होने के कारण से अहंकार है, अहंकार की वजह से कर्तृत्व है, कर्तृत्व की वजह से प्रवृत्ति निवृत्त है। और वो सारी चीज कहाँ है, सर्वएव क्रियाकार का व्यवहार हो, क्रियाकार का जो संपूर्ण व्यवहार है वो अविद्या भूमवेव, उस अविद्या भूमि में है, वहां कर्म यह पश्ये, ऐसे अकर्मणी कर्माभावे अविद्या भूमो। अकर्मणी की व्याख्या कर्माभाव, कर्माभाव की व्याख्या अविद्या भूमो, अविद्या भूमो में कर्म देखना, अकर्म रूपी अविद्या भूमि जो अज्ञानियों के दृष्टिकोण में है उसी में वास्तविक कर्म हुआ करता है, मुझ आत्मा में कोई कर्म नहीं है, ऐसा जो अनुभव करे सबुद्धिमान मनुष्य मना, ऐसा जो सारी दुनिया को जैसा ज्ञान हो रही है उसका उल्टा जो ज्ञान वाला है वही मनुष्य बुद्धिमान है, उल्टा नहीं मानता। लोग कहेंगे तो देखो सब उल्टा, हम लोग सारी दुनिया मेजॉरिटी, आज के जमाने में तो वोट पड़ेगा तो साहब तो फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे, वेदांत कहाँ पास होएगा, वेदांत बिल किसी भी पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता है या नहीं, ये सभी क्या मानते हैं, उल्टा ही मानने वाले लोग हैं, और वो उनके उल्टा हम बोलेंगे तो कहाँ मानेंगे, वो एक भी वोट नहीं पड़ेगा, आपको खुद का वोट पड़ेगा बस। क्योंकि जो वेदांती अपने आप को मानने वाले कि अंदर में गड़बड़ सड़बड़ चलते रहता है, बहुत सारे वेदांती हैं, कथाकार लोग, प्रवचनकार लोग, मंडे सब लोग इत्यादि इत्यादि वेदांत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनका अंदर में भय है, और पुण्य पाप कर्म का भी भय है। फिर वेदांती क्या है, न पुण्य पुण्य स्पर्श तो वेदांती होता है, पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकते, तद्वान कहां से हो जाएंगे, तद्वत्व है इसका मतलब वो वेदांती नहीं है ना। आजकल लोग क्यों माया का समर्थन कर रहे हैं, माया मानते हैं, जगत को मानते हैं, किसी व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार कर लिए हैं, सत्ता मान लिया है तो सत्य नाश हो गया, अरे सत्ता मत मानो किसी प्रकार की बात, तो सत्य को नाश मानो तब तो दूसरे में सत्य सत्ता का सत्य मान रहे हो, जिसमें वास्तविक सत्य है उसको नाश किए बिना दूसरे में सत्ता कहां से आ जाएगी,
उसको हम नहीं देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं और उसमें सत्यता मान रहे हैं। सत्यता मानना ही सत्ता और है क्या? सच्चित्तानंद सत्य वही सत्य है, और जिसको सत्य बड़े माने बने वो सत्य मान लिया, आपने चौपट हो गया। इसलिए ये सारी चीजें समझाने के लिए जो माना गया था उसमें यथार्थता को ग्रहण पकड़ लिया। मांडव कार्यकार साहब कहते बुद्धे रवदाराय पाद कल्पना, ये जो चतुष्पाद ब्रह्म कह दिया ना, चतुष्पाद मांडव परिषद कार्यकार तो उसी पर है ना, पांच चतुष्पाद ब्रह्म की वर्णन आता है, प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद तुरीय पाद, और पादा से मात्रा मात्र से पादा भी कह दिया, इसीलिए वहां दोनों तरफ कर दिया। वो सब क्यों है? कार्यकार कहते बुद्धे रवदाराय आपकी बुद्धि को ब्रह्म की तरफ ले जाने के लिए है, न कि उसे कोई सत्यता को बताने के लिए। वास्तव में ब्रह्म चार पाद कल्पना है, वो माया है, माया ने जगत को बनाया। अरे जगत को तो बना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, जगत है ही नहीं, जगत दिखाई दे रहा है। अरे दिखाई दे रहा है तुम्हारे अज्ञान की वजह से, उसको मिटाने के लिए तुम्हारी बुद्धि को ब्रह्म की ओर ले जाना, उसके लिए समझाने के लिए हमने कह दिया व्यावहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता ये सत्ता त्रयवाद की कल्पना की गई है। बुद्धि रहता है वास्तव में एक ही है पारमार्थिक सत्ता, कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। इसे दृढ़ करने के लिए सारी जो कल्पना की गई थी, बेचारा आदमी कल्पना में डूब गया, वो कल्पना में टहर गया, उन कल्पना के द्वारा जहां पहुंचना चाहे वहां नहीं पहुंच पा रहा है। समस्या ये हो गई, बुढ़िया कहानी बताने लगी बच्चे को समझाने के लिए, और बच्चा कहानी में ही सत्यता पकड़ लिया तो क्या करेगी बुढ़िया? बुढ़िया का मामला सारा चौपट हो गया। वो लक्ष्य कुछ और था समझाने का कहानी का, लेकिन बच्चा कहानी में ही सत्यता पकड़ लिया, वहीं ठहर जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसे श्रुतियों का लक्ष्य क्या है उसको समझना पड़ता है। उस लक्ष्य के लिए श्रुतियां ने श्रुतियों ने ही ये कल्पना कर लिया, स्वकामयत स्वयं करे अकामयत स्वकाम प्राविश। ये सारी चीजें केवल जो है समझाने के लिए, यानी कि सृष्टि में किसी प्रकार की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सब श्रुतियां नहीं है। अब इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है जो समझने वाला मनुष्यों में, इसलिए वही बुद्धिमान हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। वास्तविक बुद्धिमान वही मनुष्यों में सायुक्त योगी, वह युक्त है माने वह योगी है। कृष्ण कर्म कृत, कृष्ण कर्म कृत, समस्त कर्म कृच्चा, और समस्त कर्मों को करने वाला है या समस्त कर्मों को काटने वाला। भाष्कर से आज की व्याख्या नहीं करते, करोते और कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बोलेंगे, यहां कुछ नहीं बोल रहे ना। कृष्ण कर्म कृच्चा स इति स्तुयते, भाष्कर जोड़ दिया ये कृष्ण कर्म कृत जो है ना स्तुति है, अर्थवाद है उस ब्रह्मज्ञानी का। वास्तव में वो अकर्ता है ना, कर्ता कहां से हो जाए कर्म करता? समस्त कर्मों को करने वाला कैसे हो जाएगा? वो करने वाला नहीं है, वास्तव में वो अकर्ता है। अकर्ता होता हुआ प्रारंभ कर्म विषय से शीर्ष से सकल कर्मों को करते हुए भी वह नहीं करता हुआ रहता है, इसलिए कह दिया श्रुत कर कृत्य स्तुति है, स्तुति है। कर्म अकर्मणोर इतरे इतर दर्शी, किसकी स्तुति है वो? कर्म और अकर्म का, इन दोनों के इतरे इतर का जो दर्शी है, उस दर्शी को सदर्शी स्तुयते। वह जो कर्म कर्म का जो वास्तविक स्वरूप दर्शन करने वाले इतरे इतर में, कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखने वाला अनुभव करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है उसका यह स्तुति है। सस्तुते सकर्मणी है प्रथमा, कि स्तुते कर्मणी लकार है। जैसे ग्राम गम्यते कहा जाता है, ग्रामम गच्छति, ग्राम गम्यते, उसी प्रकार तम स्तौति स स्तुयते। कहा वह कौन है जिसकी स्तुति की जा रही है? तो कह दिए कर्म कर्मणोर इतरे इतर दर्शी,
कर्म में अकर्म और कर अकर्म में कर्म, एदार्श दर्शन वाला जो महान योगी है उसको यहाँ स्तुति के रूप में, उसकी स्तुति के रूप में यह बात कही जा रही है। कृष्ण कर्म कृत। अब पूर्व पक्ष खड़ा होगा, भाई बात या दो तीन पूर्व पक्ष से जान से पहले एक दो बात समझ लेना कि अकर्म कर तो तुष्टिम भाव, पहले भाष्यकार ने कहा था ना अकर्मणश्च तुष्टिम भाव से पुरुष लोगों का व्याख्यान, गाना कर्मणो गति से पहले अकर्मण कर क्या कर दे तुष्टिम भाव। तुष्टिम भाव कर तो आप उदासीन भाव नहीं लेना, तुष्टिम भाव और उदासीन भाव में अंतर है। यदि उदासीन भाव तो ब्रह्मज्ञानी का लक्षण में उदासीन उदासीन हो, इसे वो नहीं लेना। यहाँ तुष्टिम भाव से क्या लेना पड़ता है, हमेशा आगे भी आएगा तुष्टिम भाव शब्द आएगा, अभी भाष्कर प्रयोग करेंगे। ये है व्यक्ति जो कर्म और कर्म के फल का भय से अथवा आलस के वजह से प्रमादवशात कर्म को न करता हुआ चुपचाप बैठा है, जड़वत शरीर को स्थापित किया है, अंदर में कामनाओं से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति का नाम है तुष्टि भाव वाला लेना है। कर्म क्यों करना नहीं चाह रहा है, यह भय से कि हो सकता है मेरे से गलतियां हो जाए, तो क्यों वैदिक कर्म करना बड़ा कठिन है, और आजकल ऐसे परंपरा भी नहीं, वैदिक कर्म कांड कराने वाला भी नहीं मिलेगा ढंग से, पंडित ही गड़बड़ कर दिएगा तो क्या होगा, डर है ऐसे, चलो इसे भला था नहीं है ना करे छोड़ी दो झंझट, ऐसा सोच करके विभिन्न प्रकार की कामना रहते हुए भी उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वैदिक कर्मों को त्याग करके लौकिक कर्मों का आश्रय लेने वाला मूर्ख आदमी तुष्टि भाव से चलता है। क्योंकि पहले बोल चुके हैं वास्तविक अकर्मण्यता कब आता है, कर्म का आरंभ करने से होता है, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य समस्त, कर्मों को आरंभ किए हुए बिना कोई भी नैष्कर्म्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे कृष्ण कर्म कृत, कर्मारंभ करते हुए नैष्कर्म में पहुंच गया, सकल कर्मों को करते हुए वह नैष्कर्म भाव में स्थित हो गया। क्यों, एतादृश दर्शी होने से कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्म च कर्म यह, एतादृश ज्ञानवान होने के कारण से सकल कर्म करता हुआ भी नैष्कर्म भाव में स्थित। अब आइए पूर्व पक्ष, नन किमिद विरुद्ध मुच्यते, ये क्या आपने कह दिया अत्यंत विरुद्ध बात, बिल्कुल उल्टा देखो, और उल्टा देखने वाला मनुष्य भी बुद्धिमान, वाह कैसी बात कह रहे हैं, बिल्कुल विरुद्ध बात है। कर्मणि अकर्म यह पश्यति, अकर्म च कर्म इति, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, अधिकरण सप्तमी को लेकर पूर्व पक्ष कर रहा है सारी बात। नहीं कर्म अकर्म से, क्योंकि कभी कर्म अकर्म नहीं हो सकता, अकर्म व कर्म न स्या, अकर्म कभी कर्म नहीं हो सकता। तत्र विरुद्धम कथम पश्य दृष्टा, इसलिए यह जो दृष्टा जिसको महान बुद्धिमान और योगी कह रहे मनुष्यों में, वो ऐसा विरुद्ध दर्शन कैसे कर सकता है, असंभव है। तब सिद्धांत कहते नहीं बन, ऐसा नहीं हो सकता। या ननु जो है दो बार जो आया कि एवं अर्थ ननु अकर्मैव, सिद्धांत जो बोल रहा है ननु मने एवं अकर्मैव परमार्थ था ब्रह्मो सत् कर्मबद्ध भासते, वास्तव में परमार्थ तो मैंने वास्तव में सत कैसा होता हुआ है, वो आत्मा वो ब्रह्म कदा कर्मैव, एवं अकर्मैव ब्रह्म परमार्थता सत मैंने ऐसा होते हुए, अस धातु का क्षत्रिय प्रत्यय होते हुए ऐसा रहते हुए भी कर्मवद मन में कर्मवान इव कर्मवान इति अवभास, कर्मवत्वेन अवभासते,
कर्मवत का मतलब यहाँ कर्मवत्वेन कर्माधिकरणत्वेन अवभासते। किनके लिए अवभासते? कर्मवत जो कर्म रूपा जो ब्रह्म है, अकर्माधिकरण है, अकर्मात्मक है, क्योंकि उसका कर्म केवल कल्पित है, स्वयं ब्रह्म कर्मात्मक नहीं है, निष्क्रिय निष्क्रियम शांतम निष्कलम। जब ऐसा कर जब निष्क्रिय का मतलब क्या? क्रियात्मक कर्मात्मक वो नहीं है, कर्माधिकरण है ये भी नहीं है, कर्माधिकरण भी नहीं होता, न पुण्य पुण्य स्पृशता, कोई कर्म वहां पर नहीं है। जो कर्म का अधिकरण भी नहीं है, कर्मात्मक भी नहीं है, ऐसा जो कर्म रूपा ब्रह्म है होता हुआ भी मूढ़ दृष्टि लोकस्य कर्मबद्ध अवभास। जो मूढ़ दृष्टि वाले हैं, मोह से युक्त कवयो भी मोहिता, पहले बोल चुके हैं, इसे मूढ़ दृष्टि कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान पंडित पामर तो क्या कहे ना, कैमितिक न्याय, बड़े बड़े मेधावी कवय मेधावी ना, जो मेधावी लोगों के द्वारा भी मोहयुक्त होकर दृष्टि वाले होने से तारस विशुद्ध कर्म रहित और कर्मात्मक भी नहीं है, जो अकर्मात्मक ब्रह्म में कर्माधिकरणत्व स्वीकार कर लिया, कर्मवत्व अवभाषित मूढ़ दृष्टि लोक ठीक तथा कर्मैव अकर्मवत्। इसलिए कर्मैव जो कर्मात्मक ही है, क्या है? माया विद्या क्रियात्मक है, स्वयं माया को क्या कहा? त्रिगुणात्मक। जो गुण क्या होती है? गुणम छलम वृत्तम, गुण का स्वरूप क्या वर्णन करते हैं? चल। चल का मतलब सदा सक्रिय, कभी निष्क्रिय होती नहीं माया, माया का स्वरूप ही क्रियात्मक है। क्रियात्मक होते फिर सृष्टि लगातार होते रहेगा? कहते नहीं नहीं, वो ऐसा है, प्रलय काल में भी क्रिया होती है। प्रलय काल में क्रिया कैसी क्रिया हो रही है? साम व्यवस्था के अनुकूल क्रिया आपस में चलती रहेगी, तीनों गुणों में, तीनों गुणों में आपस में ऐसा चक्कर चलते रहता है, फिर समान अवस्था में बनाए रहते, कोई विकार प्राप्त नहीं, विषमता का प्राप्त। असृष्टि काल में स्थिति काल में विषमता वृत्ति का अनुकूल क्रियाएं होने लगती है, मैंने क्रिया तो होती रही, ये सांख्य भी मानता है। इसे माया तो क्रियात्मक है, वो एक क्षण भी क्रिया रहित हो नहीं सकती। ऐसे कर्मात्मिका अविद्या माया उसमें क्या मान रहा है? अकर्मवत्व मान रहा है। क्यों? हेतु कहते हैं जड़त्व, जड़ में कहां से क्रिया होगी, ऐसे हेतु मूर्खता प्रवृत्ति, अरे जड़ में क्रिया होती है, चेतन में कहां से क्रिया होगी, ये समझता ही नहीं हो। वो कहता है पाषाण व दृष्टांत बना देगा, माया क्रिया रहिता जड़त्वात् पाषाणवत्। पत्र में कोई क्रिया नहीं, लेकिन वास्तव में आज के वैज्ञानिक तो मान भी लेता है तो पत्र में भी क्रिया होती है, बढ़ता है छोटा होता है, हजार हजार आयु भी उसकी है, सब गणना कर रहे हैं, उसकी विकार होता है, विकास होता है, सब कुछ होता है। अब भूकंप वगैरह होता है, इसका कारणों में से कारण भी ढूंढा उन्होंने, ये जो अंदर नीचे पत्थर आपस में ना वो खिसक जाते हैं, खिसकते हैं, बढ़ता है ना आपस में घर्षण होता है, घर्षण होता है तो खिसकता है, खिसकने से पूरा प्रतिभा होती है। उसे कुछ नाम अलग दिए साइंस में, नाम आता है उसका, जो रॉक्स का मूवमेंट मानते हैं, नीचे अंडरनेथ मूवमेंट के कारण से जो है वो, अब हम लोग इसको भाषण दूसरे बोला, हम लोगों ने पुराण की भाषा में क्या है, चार हाथियों पर पृथ्वी टिकी है, वो हाथी खुजराता है इधर उधर थोड़ा हिल जाता है तो भूकंप होता है, तो पुराण की अपनी भाषा है। और मॉडर्न लैंग्वेज आपने साइंस वालों ने कहा वो रॉक्स हिलते हैं, खिसक जाते हैं, ये जो लावा होती है ना, लावा जो गर्म लोहा वगैरह अंदर में जो कभी कभी ज्वालामुखी से निकलती है, उसके कारण से क्या होता है, पत्थरों में थोड़ा मूवमेंट आ जाता है, वो गर्माटा भी हो जाता है, उसमें से अनेक प्रकार होकर के वो चलता है, चलन होता है, तो हाथी चले चाहे पत्थर चले, और कुछ तो हो रहा है, चलन हो रहा है, चलन के बिना भूकंप नहीं। वो हाथी भी पत्थर है, बड़ा लंबा चौड़ा मोटा भारी चीज है ना, तो अपनी कल्पना की एक तरीका है समझाने की।
इसलिए कहते कि देखो वो जो कर्म ही वह कर्म रूप ही है वो कौन माया विद्या। और उसको क्या मान रहा है मूढ़ आदमी, अकर्मवत अकर्मत्व मान रहा है कौन मूढ़ दृष्टि लोकस्य तत्र। ऐसा उन लोगों का जो ज्ञान है तद विषय अब विषय सब मिलूंगा तद विषय यथा दृष्टार्थ महा भगवान कर्मण्य कर्म पश्यन्ति तद विषय में यथाभूत दर्शनार्थ वास्तविक ज्ञान क्या है यथाभूत माने वास्तविक दर्शन ये तद विषय जो ज्ञान है उसको भगवान आ भगवान क्या कर्मण्य कर्म यह पश्यन्ति तो न विरुद्धां। इसलिए पूर्व पक्ष का बात जो था कि विरुद्ध है ऐसी बात नहीं बल्कि अज्ञान ही विरुद्ध पकड़ रखा है उसके यथार्थ दर्शन हम करा जो अज्ञान ही विरुद्ध में पकड़ रखा है अकर्मात्मकों को कर्म ग्रहण कर रखा है कर्मवान करके उस कर्मवान में अकर्म वापस दिखाना चाहता हूं। वास्तविक दर्शन क्या है अकर्मात्मक को अकर्मात्मक समझना वास्तविक है विरुद्ध कहां हुआ शब्द में जो प्रयोग कर रहा हूं कर्मणि अकर्म इसलिए हम लग रहा है विरुद्ध लग रहा है लेकिन नहीं विरोध क्योंकि हम कर्मणि शब्द किसको ले रहे हैं अकर्मा को ही ले रहे हैं अकर्म ही कर्मणि बना दिया कौन अज्ञानी ने तारश अज्ञानी का अकर्मणि में कर्म को देखो ये मैं कह रहा हूं इसे कोई दोष नहीं।